हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य जहां से कई चैंपियंस निकल कर आए, फिर चाहे बात मुक्केबाजी की हो, कुश्ती की हो या फिर शूटिंग की। यहां की मिट्टी से निकलने वाले खिलाड़ियों ने दुनिया भर में अपना डंका बजाया है। ऐसी ही भारत की एक लाडली है मनु भाकर, जिन्होंने अपने शुरुआती सफर में टेनिस, मुक्केबाजी और स्केटिंग में हाथ आजमाया। इतना ही नहीं, उन्होंने मार्शल आर्ट में भी दाव खेला। मनु ने अपने डेब्यू में ही दिग्गज खिलाड़ियों को मात दे दी। उन्होंने स्वर्ण पदक विजेता अन्ना कोराकाकी, 3 बार के विश्व कप पदक विजेता सेलिन गोब्रविले और लोकल फेवरेट अलेजांड्रा ज्वाला को करारी शिकस्त दी थी और गोल्ड मेडल की मालिक बनी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने महज 16 साल की उम्र में ISSF विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता था और ये कारनामा करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी थी। मनु भाकर ने साल 2016 में रियो ओलंपिक के खत्म होने के बाद अपने पिता से एक पिस्टल की मांग कर दी, जिसके बाद उनके पिता ने उन्हें बंदूक लाकर थमा दी। इसके एक साल बाद ही 2017 में उन्होंने ओलंपियन हिना सिंधु को चौंका दिया और 242.3 के स्कोर के साथ नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। वहीं 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में हिना को मात दे दी। वहीं अब मनु भाकर ने मेडल्स की झड़ी लगा दी है। उन्होंने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की है जिसमें वो अपने सभी मेडल्स के साथ नजर आ रही हैं। उन्होंने मजेदार अंदाज में लिखा, सोना इतना जीतो कि लोग कहें दीदी आप सुनार हो क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, ATF हिंदी न्यूज़।